इंडिया न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आज फिर एक नई खबर के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। बाइक की डिग्गी तोड़ 2.5 लाख रुपए की चोरी कर हुआ फरार। यह खबर यूपी के देवरिया जिले से, जहां बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे किसान की पचलड़ी चौराहे पर हुई घटना। बाइक की डिग्गी तोड़कर चोर 2.5 लाख रुपए चुरा ले गया। घटना बृहस्पतिवार को पचलड़ी चौराहे पर हुई, जहां रुद्रपुर बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहा था किसान ने चौराहे पर सामान खरीदने को बाइक खड़ा किया। इस दौरान एक युवक ने बाइक की डिग्गी तोड़कर रुपए चुरा लिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बिशनपुर बगही गांव जयप्रकाश दुबे खेती परिवार के भरण पोषण करते हैं। वह गाँव में मकान का निर्माण कार्य करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपने दो रिश्तेदारों से मकान बनवाने के लिए रुपए उधार लिए थे। रिश्तेदारों ने उनसे खाते में रकम भेजी थी। वह सुबह 10 बजे स्थित सेंट्रल बैंक शाखा से रुपए निकाल कर अपनी बाइक डिग्गी में रख दिए। वह पचड़ी चौराहे पर बाइक खड़ी करके एक किराने की दुकान में सामान खरीदने लगे। उन्होंने सामान लेने के बाद घर निकले तो डिग्गी पर नज़र पड़ी। डिग्गी का लॉक टूटा देख उसके होश उड़ गए। वह वापस पचड़ी चौराहे पर पहुँचे, जहाँ बाइक खड़ी करने वाले घर पर गए। सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि डिग्गी तोड़कर एक युवक रुपए निकाल लिया है। कैमरे में युवक डिग्गी तोड़ते हुए रुपए चुराते हुए दिख रहा है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इस बाबत थानाध्यक्ष रामबदन चौराहान ने कहा कि तहरीर मिली है, सीसीटीवी दिख रहे संदिग्ध युवक की तलाश की जा रही है। देखिए देवरिया से रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। थाना इकोना के पचलड़ी के पास कल एक व्यक्ति ने अपना टू व्हीलर खड़ा किया और उसके बाइक की डिक्की का ताला खोल करके किसी व्यक्ति ने, एक लड़के ने, उसमें से पैकेट निकाल लिया और उसके बाद वैसे ही डिक्की बंद कर दिया। वो व्यक्ति जब अपने घर गया तब उसने देखा कि डिक्की बंद थी, लेकिन उसमें 2.5 लाख रुपए उन्होंने बैंक से निकाले थे, वो गायब हैं। इस संबंध में थाना इकोना पर अभियुक्त पंजीकृत करा करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की छानबीन कराई जा रही है।